हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज के ये वीडियो में तुम लोगों को मैं एसएससी जीडी के जो मैंने रिक्वायरमेंट के बारे में बताया था, उस रिक्वायरमेंट में मोबाइल के जरिए कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो फुली डिटेल में बताऊंगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो। सिंपली गूगल में टाइप करना है एसएससी, आप लोगों को एक फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ssc.nic.in। इस लिंक पर जब आप लोग क्लिक करोगे एक और नया पेज खुल कर रहेगा। इस पेज पर लोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं, सो सर्वर का थोड़ा वीक होता है, सो इसलिए थोड़ा बहुत वेट कर लेना। सिंपली जब ये पेज खुलकर आ जाएगा, बगल में आप लोगों को लॉगिन का एंड रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है। आपने अगर लाइफ में कभी भी एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है, सिंपली पासवर्ड एंड यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंटर करके सिंपली कैप्चर को फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना। अगर आपने लाइफ में कभी भी एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं किया है, सिंपली रजिस्टर नाउ का जो बटन दिख रहा है, न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, उस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब मैं जिस कैंडिडेट का कर रहा हूँ वो लाइफ में कभी भी एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं किया है, सिंपली मैं रजिस्टर नाउ की जो बटन है वो बटन पर सिंपली हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक और नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आप लोगों को क्या क्या फिल करना है सब कुछ बताऊंगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके की रेगुलरली आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। पहले हम लोगों को बेसिक डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड उसके बाद हमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये पहले हमारा तीन स्टेप रहेगा, इन तीन स्टेप से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। जो पहला स्टेप है, पहला आप लोगों को पूछा गया है कि आप लोगों के पास आधार कार्ड है या नहीं। अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड है तो येस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड है या फिर आप लोगों को आधार कार्ड का नंबर भी देना पड़ेगा, हर एक चीज़ आप लोगों को दो दो बार देना पड़ेगा, यानी कि आधार कार्ड एक बार देना पड़ेगा ऊपर एक बार और नीचे देना पड़ेगा, यानी कि कंफर्म करके देना पड़ेगा। उसके बाद आता है आप लोगों का आधार, ये एक आईडी प्रूफ का टाइप मांगा गया है, यहाँ पे आप लोग आईडी प्रूफ का टाइप सिलेक्ट कर लेना। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपली क्लिक कर दोगे ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आईडी नंबर, यानी कि आप लोग पैन कार्ड का नंबर जब दोगे, पैन कार्ड के आप लोगों का क्या क्या नंबर है वो आप लोगों को याद दे देना है आईडी नंबर पर। उसके बाद आप लोगों का नाम पूछा है, जो आपका आधार कार्ड यानी कि आधार कार्ड में हुए वही दे देना। उसके बाद वेरीफाइड नेम, यानी कि दो बार ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बैंक में जब आप लोग पैसा डालने जाते हो तब आप लोगों को दो बार अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर भी सेम है, दो दो बार ही आप लोगों को डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है आप लोगों का हैव यू डा चेंज, आपने अपना नाम कभी चेंज किया है। अगर आपने आपका नाम कभी भी चेंज किया है लाइफ में तो येस कर देना, अगर नहीं किया तो नो कर देना। उसके बाद फर्दर नेम डाल लेना, दो बार डालना है वेरीफाइड, जैसे बैंक में पैसा जमा करने के वक्त डालते हो दो बार डालना है। उसके बाद आप लोगों का माँ का नाम या फिर नहीं कि मदर नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का डालना पड़ेगा वेरीफाइड मदर नेम, यानी कि आपका माँ का नाम है कि नहीं। सो पहले जो डालोगे वही नीचे डाल देना। उसके बाद आप लोग का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों को दो बार देना पड़ेगा, जो आपका जन्म का तारीख है उसको दे देना। उसके बाद आप लोगों का आता है कि आप लोगों ने क्लास 10 कहाँ से पास आउट किया है, मैं इसको दिखा देता हूँ आप लोग ताकि हेल्प हो जाए। एजुकेशनल बोर्ड पर आप जो क्लिक कर दोगे सिलेक्ट वाले बटन पर, हर एक स्टेट में दिया गया है, सीबीएसई का दिया गया है, हम जनरली आसाम से बिलोंग करते हैं तो आसाम की संस्कृत बोर्ड का भी दिया गया है। मैं देखूंगा कि हमारा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशनल काउंसिलिंग यानी कि सेवा है या नहीं। सो सेवा डेफिनेटली होगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आप लोग बी का जो सेक्शन है यहाँ पे देख सकते हो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और नीचे भी आप लोगों को सेम दे देना है, आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है कर देना। उसके बाद आपका रोल नंबर, आपका जो यानी कि एचएसएलसी का रोल नंबर है वो भी यहाँ पे डाल देना, और वेरीफाइड रोल नंबर यानी कि एचएसएलसी में जो भी रोल नंबर था वही यहाँ पर एक बार और डाल देना है। उसके बाद आता है आप लोगों का ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में आपने एचएसएलसी यानी कि मैट्रिक पास आउट किया था वो डाल देना, अच्छी तरह से डालना, कोई भी मिस्टेक मत करना, बाकी वरना बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है वेरिफिकेशन के टाइम पे। अब आता है यहाँ पे जेंडर, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो यहाँ पे सिंपली डाल देना। उसके बाद आता है आप लोगों का लीव ऑफ ऑर्डर, यानी कि आप लोगों का हाईली क्वालिफाइड लेवल क्या है, यानी कि लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने 10 किया है 12 किया है, जो आपने टॉपली क्वालिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो
डिग्री किया है। सो डिग्री करने की बाद भी इस पोस्ट पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है वो यहाँ पे डाल देना, उसके बाद एक एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल डाल देना पड़ेगा, क्योंकि उस ईमेल एंड उस मोबाइल नंबर पर आप लोगों का ओटीपी जाएगा। सो अच्छी तरह से डाल देना, और उसके बाद आप लोगों का स्टेट पूछेगा, और उसके बाद सेव वाले बटन पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। आपका ये कम्प्लीटली प्रोसेस हो जाएगा। मैं सिंपली इसको सेव करके देता हूँ। सो मैंने सब कुछ फिल कर लिया। सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद एक और नया पेज खुल कर आएगा। आप लोगों के जो यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है और आप लोगों का जो पासवर्ड है वो ईमेल पर सेंड कर दिया गया है। आप लोग सिंपल ईमेल को चेकआउट कर लेना, वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने जब ईमेल को डाला, जब मैंने ईमेल पर सेंड कर दिया पासवर्ड, यहाँ पे आपने लॉगिन किया तो ये यहाँ पे आप लोगों को सेंड पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। आप लोगों का जो ईमेल एंड यूज़र नेम है या फिर जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली ओल्ड पासवर्ड जो ईमेल में आपको भेजा जाएगा ओल्ड पासवर्ड में डाल देना। नया पासवर्ड में जो आप लोगों को मिल जाए आपका खुद का रखना चाहते हो वो डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो योर पासवर्ड हैड बीन चेंज, यानी कि हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया है। पासवर्ड को कभी भी नोट करके रख लेना एक पेपर पर, क्योंकि वो पासवर्ड आप लोगों को एडमिट कार्ड निकालने वक्त काम आएगा। अब बात करें यहाँ पे आप लोग जो नया पासवर्ड है वो डालकर कैप्चर को फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना। आप लोग का अब दो स्टेप है, क्या क्या है, बेसिक डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसको फिल करना है। सो बेसिक डिटेल्स में हम आएंगे, हमारा जो यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है हमको ऊपर ही दिख जाएगा। अब पासवर्ड आपको नोट करके रख देना है, क्योंकि वो वाला पासवर्ड आपको चाहिए कब, एडमिट कार्ड निकलने के वक्त। अब यहाँ पे आप लोगों का जो आधार कार्ड है, अपना नाम डाला है, आईडी प्रूफ डाला है, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को सिंपली मिल जाएगा। आप लोग अपने अपने देख लेना सब कुछ। यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली नेक्स्ट वाले जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। आप लोगों का नेक्स्ट पेज पर आप लोगों का मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तब आप लोगों के सामने एक और नया पेज खुल कर आ जाएगा। सिंपली उस पेज पर आप लोगों को क्या करना है वो भी मैं एक साथ बता दूंगा आप लोगों को। सो वीडियो को देखते रहो। यहाँ पे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट, जब आप लोग नेक्स्ट कर दोगे उसके बाद एक नया पेज खोल कर आएगा। इस पेज पर आप लोग को कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स है उसको फिल करना है। सिंपली इस पेज के एकदम ऊपर जाना। ऊपर जाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट को डिटेल्स यानी कि आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको भी फिल करना है। आप देखो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या क्या फिल करना है, या फिर जो एडिशनल डिटेल्स है उसको भी क्या क्या डालना है। यहाँ पे आपका कैटेगरी डालना है SC ST OBC MOBC जो भी हो आप लोग उसका डाल देना, या फिर उसको दबा देना। सिंपली मैं जिसका कर रहा वो ST है तो ST पर डाल देना। उसके बाद आता है आप लोग का नेशनलिटी, इस पर आप लोग खुद हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर जो भी हो। यहाँ पे आप लोग हिंदू मुस्लिम नहीं मिलता है, सॉरी वो रिलीजन में होता है। यहाँ पे आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया डाल देना। उसके बाद आप लोग का आइडेंटिफिकेशन मार्क या फिर कि ऐसा एक निशान, गाल में कुछ काला सा निशान है वैसा कुछ निशान डाल देना, क्योंकि आप जंग के दौरान जब मारे जाओगे तब आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करने में लगता है। अगर आप लोग PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आप लोग यस करना, अगर नहीं करते हो तो नो पे क्लिक करना। मैं जिस कैंडिडेट का कर रहा हूँ वो PWD कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, सो मैंने उसका डाला नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर आप डिसेबिलिटी हो, क्या डिसेबिलिटी है मैं वो डाल देना। उसके बाद आप लोग का परमानेंट एड्रेस डालना है, आप कौन से गाँव से हो। उसके बाद आप लोग का स्टेट आसाम, मणिपुर, मेघालय जो भी है, दिल्ली है, मुंबई, सब डाल देना। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो। मैं सिंपली आसाम की नलबारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, सो मुझे आसाम की सिलेक्ट करना है। उसके बाद नलबारी सिलेक्ट करना है, सो मैं नलबारी देख लेता हूँ कहीं हाँ नलबारी है। उसके बाद पिन डाल देना है, पिन क्यों चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया पिन क्यों चाहिए, तो पिन चाहिए आप लोगों को इसलिए क्योंकि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब आप लोगों को यानी कि डिलीवर होना चाहिए ना, तो इसलिए। अगर आप लोग परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस से हो सिंपली टिक करके सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना, आप लोग का सब कुछ हो जाएगा। जब मैंने सब कुछ फिल कर दिया, सब कुछ फिल करने के बाद हमको मिलता है सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर। सेव एक बार कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जब आप लोग दोनों कर दोगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल सक्सेसफुल। यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली आप लोग को देख सकते हो आई एग्री इस वाले बटन पर क्लिक करना है, और आप लोगों को फाइनल सबमिट जो बटन है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। आपका जो फाइनल सबमिटेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। अब हमें और भी एक स्टेप करना है। बहुत सारे बच्चे यानी कि सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो गया, सो ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा कब होगा, मोबाइल नंबर एंड ईमेल जो दोनों आपने डाला था वो दोनों पे एक एक OTP भेजा गया है। उस OTP को यहाँ पे आप लोग एंटर करना है। सिंपली मैंने सब कुछ डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ऑप्शन मिलता है कि सबमिट का, कि वो यानी कि जो
सबमिट करना है उसको आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब आप लोग सबमिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सो सबमिट वाले बटन पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। उस वाले बटन पर जब आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ओके का ऑप्शन मिल रहा है, देख सकते हो एक ओके का ऑप्शन है। ये ओके वाले बटन पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। एक और नया पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर आप लोगों को जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है SSC GD ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर आप लोग सिंपली जो अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, अप्लाई का एक ऑप्शन मिल रहा है पहले ही, उस अप्लाई वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अप्लाई। सो अप्लाई में आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन अभी तक नहीं हुआ है। सो एप्लीकेशन कर देना है, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कुछ फिल नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल सब कुछ डाल दिया है। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या फिल करना है वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। सो वो कैसे डालना है वो भी मैं बताऊँगा। यहाँ पे आप लोगों को मिलता है कुछ कुछ ऑप्शंस, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली टिक करना है। आप लोग यहाँ पे अपना अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, और आप लोगों का जो जो एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को जाइए, यानी कि आप कौन सी सेंटर में एग्जामिनेशन देना चाहते हो वो आप लोगों को सिंपली फिल करना है। 15.1 में आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोगों का एज यानी कि SC ST से बिलोंग करते हो तब येस करना, अगर आप लोग नहीं करते हो तो नो पर क्लिक करना है। ये सब कुछ आप लोग देख देख कर फिल कर सकते हो, आप लोग समझदार हो। तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आप लोगों को एक हेल्प मिल सके या फिर एक गाइड मिल सके। यहाँ पे आप लोगों को अपना स्टेट मिल ये सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद आपकी स्टेट यानी कि आसाम की मरीगांव, डिब्रूगढ़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट से वो सिलेक्ट कर देना। और यहाँ पे एक स्पेशल बात ये है कि आप लोगों के पेन और पेपर ले लेना है। अभी पेन और पेपर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो SSC के अंदर आता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल BSF, CISF, ये सब कुछ आप लोगों को डालना है। इन सभी का एक एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल BSF का आप यहाँ पे देख सकते हो, जो नोटिफिकेशन में है, नोटिफिकेशन में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दिया, सिंपली देख लेना। अगर आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस यानी कि आपका ज़्यादा इच्छा है कि मैं BSF में जाऊँ, तब आप लोगों को जो फर्स्ट डेल है वहाँ पे ए डालना पड़ेगा। अगर आपका मन है कि मैं CRPF में जाऊँ तब आप लोगों को सी डालना पड़ेगा, यानी कि आपका जो जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप लोग डालना पड़ेगा। सिंपल है, आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से। आप लोग जब पोस्ट डिटेल्स में क्लिक कर दोगे आप लोगों के सामने ये शॉर्ट खुल के आ जाएगा। मैं सिंपली डाल देता हूँ ABCD जो भी चाहिए सब कुछ यहाँ पर डाल देना है, यानी कि मैं जो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो क्या है, सेकंड प्रेफरेंस मेरा क्या है, सब कुछ डाल देना पड़ेगा। और अभी तक अगर चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पोस्ट डिटेल सिंपली फिल कर देना। उसके बाद आप लोग का हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी यहाँ पे डाल देना है, आप लोगों को सब कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपको पास दो या फिर अपीयर दो, यानी कि आप डिग्री पढ़ रहे हो या फिर डिग्री पास आउट हो। अगर पढ़ रहे हो तो अपीयर दे देना, अगर स्टडी कंप्लीट हो चुका है तो पास दे देना। यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फोटो और सिग्नेचर कैसे साइज मिलाना है उस टॉपिक पर अगर एक वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, उस टॉपिक पर भी एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना देने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा यानी कि फोटो है वो भी मैं अपलोड करके दिखाऊंगा कैसे अपलोड करना है। सिंपली सॉइस जो फाइल है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोगों को अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, मैं कैसे अपलोड करता हूँ, और क्या क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है वो भी आप लोगों को एक साथ ही बता दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपने जो फोटो है वो 27 जुलाई 2022 के बाद में खींचा होना चाहिए, उसके आगे होना नहीं चाहिए, क्योंकि SSC के इंटरव्यू में वरना रिजेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे एकदम नीचे आई एग्री और जो कैप्चर दिख रहा है उसको फिल कर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो ये फॉर्म है वो प्रीव्यू में चला जाएगा। बट यहाँ पे आप लोगों को मैंने बात बतानी छोड़ दी थी कि आप लोगों को सेंटर चूज करना है, यानी कि हम लोग अगर नलबारी से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो नलबारी के आप लोग को कौन सा सेंटर चाहिए, जो आप लोगों का फर्स्ट है यानी कि सिलेक्टेड फास्ट, उसमें आप लोगों को अपना एकदम नियर भाई यानी कि आपके जो करीब है उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप लोगों का वहाँ पर पढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। सिंपली मैं आप लोगों को एक सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, मैं जोरात का रख देता हूँ क्योंकि मैंने जोरात का रख दिया। सो जोरात हो गया, उसके बाद हमारा आता है कि सेंटर टू यानी कि हमको सेंटर टू में कौन चाहिए, यानी कि हमको अगर सेंटर वन में नहीं मिलता तो टू में हमको कहाँ चाहिए, यह भी अभी आप लोग ये रख सकते हो। सो ये दोनों को आप लोगों को सिंपली फिल कर देना है, कोई इशू नहीं है।
देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले जोरहाट रखा था, जोरहाट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब मुझको जब सेकंड में रखा है यानी कि जोरहाट एंड डिब्रूगढ़, वो भी नहीं आ रहा है। सो इस तरीके से देख लेना। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया हमको फ़ोटो अपलोड नहीं करा के दिखाते हो, सो आप लोग देख सकते हो फोटो को अपलोड करके दिखा देना। और फोटो में एक बात ध्यान रखना है, जो आपका गले का नीचे का पार्ट है उसमें आप लोग का फोटो यानी कि नाम और डेट दोनों मेंशन होना चाहिए। अगर वो दोनों आप लोग मेंशन नहीं करोगे तब SSC में आप लोगों को 110% आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो ये बात आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखना। मैंने अभी अभी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करके दिखा दिया है आप लोगों को। और ये वहाँ पे आप लोगों को यस पे क्लिक कर देना है, अगर नो पे क्लिक कर दोगे तब आप लोगों का नहीं होगा। सो यस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को आई एग्री एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है NAKT जो है वो आप लोगों को डालना पड़ेगा। कहाँ पर? कैप्चर पर। उसको अच्छी तरह से डाल देना। अगर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया हम कैप्चर नहीं डाल पा रहे, कैप्चर रिजेक्शन आ रहा है, तो आप लोगों को कैप्चर रिजेक्शन नहीं आएगा। जो यानी कि अगर कैपिटल लैंग्वेज में है तब आप लोगों को कैपिटल लैंग्वेज में ही डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, आप लोग अगर हायर क्वालिफिकेशन डिग्री कर रहे हो या लाइफ BA BSc BA कर रहे हो तब आप लोग अगर पास आउट हो तो 5 दे देना। अगर आप लोग BA BSc अभी के टाइम पर पढ़ रहे हो तो पर यानी कि APR दे देना। सो ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना। और उसके बाद आप लोग का क्या परसेंटेज निकला है लास्ट यानी कि एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग APR यानी कि अभी पढ़ रहे हो तब आप लोगों को परसेंटेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तो पास दो तब आप लोगों को देना पड़ेगा। और उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों का ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कम्प्लीटली आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। अगर कोई भी गलती हो तो आप लोग एडिट एंड मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर मैंने सब कुछ एक बार में ही सही डाल दिया है तो मुझे सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ओके वाले बटन पर एक आ जाएगा, ये ओके वाले बटन पर हमको क्लिक कर देना है। ओके वाले बटन पर जब हम लोग क्लिक कर देंगे उसके बाद प्रिंट वाला ऑप्शन आएगा। सो प्रिंट के वाले जो ऑप्शन है उस पर हमको क्लिक कर देना है। हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट आउट होकर आ जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा था वो कैसा निकला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट आउट हो गया है। मैंने कम्प्लीटली प्रोसेस आप लोगों को मोबाइल के जरिए करके दिखा दिया है। अगर आप लोग इसी तरीके की रेगुलरली अपडेट पाना चाहते हो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, सो वीडियो एक लाइक करना और अपने जो दोस्त है दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं और नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।